नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। देखिए, हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है 3 दिन से, और आज मैं बारिश में ही वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, क्योंकि ये जाती हुई बारिश बहुत ज़्यादा काम की है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो। तो जो ये बारिश है ना, इस टाइम पर हमारे पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो इस समय को बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो आज जो है, ये देखिए, कुछ पौधे मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ही जल्दी, मतलब आप लगाते लगाते उनको थक जाएंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होने वाले, ऐसे पौधे बताने वाली हूँ। उनको आप आसानी से डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से पौधे आप डिविजन मैथड से लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने रोहियो लगाया था आपके सामने, और ये मेरे प्लांट कितने तैयार हुए, 1, 2 और 3, उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये है वो पौधा जो मैंने डिवाइड करके लगाया था रोहियो, और देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। बस हमें ढंग से लगाना है, मैंने मेथड पूरा आपको बताया हुआ है कैसे लगाना है। तो आप जो मेरी गार्डन वर्क वाली सीरीज है ना, उसमें किसी में है पार्ट 3 या पार्ट 2 में, तो आप जरूर देख लेना। और इसके साथ साथ देखिए सिंगोनियम, सिंगोनियम बहुत ही यूनिक पौधा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसको भी आप डिवाइड करके बना सकते हैं। तो देखिए, ये पौधा मैंने बनाया, तो इसको भी अगर मैं फिर से डिवाइड करना चाहूँ ना, तो कम से कम इससे 5 से 6 पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ लगाते लगाते थक जाएंगे लेकिन ख़त्म होने वाले नहीं है। इसके अलावा देखिए, आप फॉक्सटेल फर्न को डिवाइड करके लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी हो जाती है। ये पिछले साल मैंने डिवाइड करी थी तो उसका पहला वाला पौधा ख़राब हो गया। और इसके अलावा देखिए स्पाइडर प्लांट को, स्पाइडर प्लांट के इतने प्लांट तैयार हो जाते हैं और इसके तो बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, आसानी से लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं इसको हैंगिंग में लगाने वाली हूँ कुछ दिन में, और इसे चाहूँ तो मैं कम से कम 10 प्लांट बना सकती हूँ, तो बहुत ही आसानी से ये डिवाइड हो जाता है। और इसके साथ साथ मेरे गार्डन का बहुत ही खूबसूरत पौधा ये है, कैलेथिया जैबरीना। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत होती है, और इसको देखिए डिवाइड करके आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये बन जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 प्लांट इससे मेरे आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो ये जो मेरे यूनिक पौधे हैं ना, तो इनको तो मैं ज़रूर करने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये पेनीवर्ट प्लांट, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलता है, और इसमें देखिए पानी ख़त्म हो गया है तो इस वजह से हो रहा है, और इसका देखिए मैंने डिवाइड भी करा हुआ है, ये देखिए। तो इसके ये निकालने हैं हमें, और इससे ये पौधा हमारा तैयार हो जाता है बहुत ही, और ये पौधा जो है ना पानी में भी चल जाता है। इसके साथ साथ देखिए आप स्नेक प्लांट को भी कर सकते हैं, स्नेक प्लांट की कई वैरायटी आती हैं, तो ये कटिंग से और डिवीजन से बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो ये गमला छोटा पड़ गया और प्लांट देखिए पूरा भर गया है, तो इसको भी मुझे कुछ दिन में डिवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है करने के लिए, तो आप इन प्लांट को अभी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोथोस को कर सकते हैं, ये भी डिवीजन से कटिंग से दोनों से हो जाता है, तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ जो मेरे यहाँ छोटे से गमले में कम से कम 3 से 4 साल से लगा हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग मैं करती रहती हूँ। ये देखिए, ये है पीस लिली, ये देखिए इसी गमले में इसकी रूट्स कट करती रहती हूँ, हो जाता है, और डिवीजन मेथड से ना बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये ना मैंने इस वाले प्लांट से ये बनाया था, तो मैं एक प्लांट लेके आई, दूसरा तैयार हो गया। तो इस टाइम पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो इससे भी कम से कम 5 से 6 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट हमारा पौधा है जिनको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, ये देखिए ये एलोवेरा, और इसमें भी इतने पौधे तैयार है ना, कम से कम 15-20 पौधे इसमें आसानी से लग जाएंगे। देखिए एरिका पाम को भी कर सकते हैं, एरिका पाम को कटिंग के द्वारा नहीं लगाया जाता है इसके, और जिस टाइम मैंने रिपोर्ट करा था इसको, तो उस टाइम पर इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं ये देखिए अलग से, तो इनको मैं डिवाइड कर देती तो ये आसानी से हमारे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। तो जितने भी ये प्लांट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये इंडोर प्लांट है, सेमी शेड में चलने वाले, ये धूप में नहीं चलेंगे, और इनको डिवाइड करके आपको इन्हें सेमी शेड में ही रखना है, थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए, जाती हुई बारिश है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो पौधे जिन्हें आप एक बार लाते हैं फिर आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनसे कई से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। एक पहला वाला ख़राब हो जाता है तो दूसरे से कई प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपने ये काम नहीं किया, मैंने मेरे पास जो कुछ प्लांट मैंने बना लिए, कुछ को मैं फिर से डिवाइड करने वाली हूँ जो मुझे ज़रूरत है, तो इस काम को आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहें।